सर, आज आपके गांव में हम लोग आए हुए हैं, आज मेगा मीटिंग का प्रोग्राम किया है आपके गांव में। तो सर, मैं सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। धर्मेंद्र सिंह जी। गांव लाला। डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। मोबाइल नंबर सर आपका? 94164942। 94164942। सर, आपने कौन सी वैरायटी लगाई है? एक्शन हाईवेज की 7044। पहली बार लगाई है सर आपने? जी, पहली बार। तो आपका क्या अनुभव है, कैसा अनुभव रहा? मेरे को ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी सर से उनसे सबसे बेस्ट बेस्ट लग रही है। क्या क्या अच्छा लग रहा था इसमें? एक तो फली में दाने ज्यादा हैं, 20-21-22 तक दाने हैं, ठीक है सर। और साठ में 10 से 20 फली ज्यादा है और उसके मुकाबले, और इसमें फंगस वगैरह की कोई बीमारी नहीं है। फुटाव अच्छा है, फुटाव नीचे से फुटाव है, और ये पूरी पक्के दाने का साइज मोटा है, और मेरे को लगता है लैब भी औरों से अच्छी निकलेगी। अन्य वैरायटियों के मुकाबले में आपको ये वैरायटी बेस्ट लग रही है? 21 लग रही है, 21 लग रही है जी। इसके अलावा जो हमारे बाजरे आएंगे वो भी आप लगा के देखना, बहुत अच्छे हैं। 7-8-1-1-7-7-6-7-9। तो जिस तरीके से आपका भरोसा सरसों पे आया है, उससे भी अच्छा भरोसा आपको बाजरे में भी मिलेगा। और इसके अलावा आप पैदावार अच्छी आती है इसकी, तो आप किसान भाइयों को क्या संदेश देंगे? किसानों को मैं संदेश दूंगा, आगे से यही सरसों लगाएं, जिसमें किसानों का खर्चा बचेगा, बीमारी एक पानी में पक जाएगी, औरों में पानी दो दो तीन तीन दे रहे, खाद कम लगेगा और इनकम ज्यादा होगी। बिल्कुल सर। इसके साथ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं राकेश जी, राकेश ट्रेडिंग कंपनी से, ये भी आए हुए हैं हमारे साथ में, और इनका भी अनुभव जानना चाहेंगे। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे 3 कंपनियों की वैरायटियां लगी हुई है, किसी कंपनी का हम नाम नहीं लेंगे। एक बार देवेंद्र जी से कहना चाहेंगे कि एक बार सर पूरे को वीडियो यहाँ से दिखाएंगे, और हाँ साइड में भी दूसरी वैरायटी लगी हुई है, उस तरफ पन्नी तरफ से भी एक बार दिखाएंगे। मैं तो गीतम जी यही कहना चाहूंगा कि इसके अंदर एक तो जो समस्या अब की बार ज्यादा बारिश होने के कारण फंगस की जो बीमारी रही है उसका बिल्कुल भी प्रकोप नहीं है, फंगस की बीमारी का देखेंगे रीग्रोथ। दूसरी चीज जो दूसरी कंपनी की अभी दिखाई है, रीग्रोथ की बहुत ज्यादा समस्या है काफी वैरायटियों में, तो इसके अंदर रीग्रोथ की भी कोई समस्या ऐसी दिखाई नहीं दे रही, रीग्रोथ की भी समस्या नहीं है। और भाई साहब ने, धर्मेंद्र जी ने बताया हमें कि इसके अंदर बाजरा लगा हुआ था, ये एक भदवाड़ की खेत नहीं है, इसमें बाजरा लगा हुआ था 24-25 मण बाजरे की, 27 मण बाजरे की पैदावार ली है धर्मेंद्र जी ने, और बिल्कुल बर्रू जिसको बोलते हैं टिब्बे की ये धरती है, और बहुत बढ़िया सरसों इसके अंदर लग रही है, लाद बहुत बढ़िया पड़ी हुई है, और ना ही दूसरी वैरायटियों के एवेज में कोई भी एक भी फली के अंदर सर्दी की मार नहीं दिखाई दे रही। सभी किसान यहाँ पे 150 के लगभग किसान इकट्ठे हुए थे, सभी ने यहाँ देखा कि सर्दी की मार किसी भी फली के अंदर सर्दी की मार दिखाई नहीं दे रही है। अन्य वैरायटियों के अंदर बीच में 4-4, 5-5, 2 फलियां है, जो बीच का अंतराल रहा 14-15 दिन का, जब ज़्यादा धुंध पड़ी है, धूप नहीं निकली, तो उस दौरान उन फलियों में मार हुई है, वो भी इनके अंदर मार नहीं दिखाई दे रही है। और धर्मेंद्र जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि पहली बार में इन्होंने 7 एकड़ में सरसों लगा रखी है, और सभी में 70-44 ही सरसों अपनी लगाई है, 1 एकड़ में 70-45 भी लगाई है, वो भी बहुत बढ़िया, हम देखने के लिए गए थे, वो भी बहुत बढ़िया है। तो धर्मेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ पे जितने भी किसान भाई आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो चाहते हैं कि सभी किसान भाई एक बार सेवा का मौका एक्शन हाईवे 7044 को जरूर दे, ताकि उनकी पैदावार भी बढ़ेगी, खर्चा भी घटेगा, और बहुत बढ़िया वैरायटी है। और बाजरे की वैरायटियां भी 3 वैरायटियां है जो बहुत बढ़िया वैरायटी है, 60-18 वैरायटी है जो लंबे अंतराल की वैरायटी है, 90-95 दिन की वैरायटी है, और उसके अलावा 2 वैरायटियां कम टाइम की वैरायटी है, 61-77 जो 70-75 दिन की वैरायटी, हाइट 10-12 फुट लेती है और चारा पूरा भरपूर देती है। उसके अलावा 67-89 है, वो कम हाइट की वैरायटी है, 7-8 फुट हाइट लेती है, पैदावार वो भी भरपूर देती है, 35-36 मण की पैदावार आती है। तो किसान भाई सभी से अनुरोध है एक बार सेवा का मौका जरूर दे, और बहुत बढ़िया वैरायटियां है, सभी को धन्यवाद। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।